आओ इसको टाइट करो, फोर। हाँ अच्छे थे। चलो पुशअप लगाओ फटाफट से, स्लो एकदम, टू नीचे भी स्लो। हाँ तुम्हें एज अ कमज़ोर नहीं जीना कि मैं कमज़ोर या मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमने जीना कि मैं एक बीस्ट हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। कि भाई कहते हैं बिगिनर की वीडियोस लाओ, बिगिनर हमारे को मोटिवेट करो। हम मैं मोटिवेट नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही अपनी एक मोटिवेशन हो, अपने आप को अंदर देखो, मैक्सिमम कमेंट्स में प्यार दिखाना अच्छा लगता है। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार आप सब? अच्छे हो गए। पवन भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो बड़े दिन हो गए पवन भाई के साथ वीडियो नहीं आई थी कि बिगिनर के साथ वीडियो लेकर आओ। देखो पवन भाई बिगिनर नहीं है, कुछ दिन के लिए खाली बिगिनर होते हैं जब यार एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज के नाम नहीं पता होते, हमारे को बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं आती, हमारे से वार्म अप नहीं होता, हमारे से वेट नहीं उठता, हमारे से 2 किलो का डंबल नहीं उठता, खाली रोड नहीं उठती, तक के लिए आप खाली बिगिनर हो। ठीक है, जब आप करते रहोगे तो ट्रेंड हो जाओगे। और कुछ लोग जैसे आप लोगों को बोलते हैं भाई तू कमज़ोर है, तू स्किनी है, मजाक बनाते हैं, तो उनको बोलो यार भाई मैं एक बीस्ट हूँ, मेरी नज़र में तुम बीस्ट हो यार, कोई भी कमज़ोर नहीं है, मेरी नज़र में तुम बीस्ट हो। अगर तुम कुछ भी सोच लो तो कर सकते हो, अगर तुम सोच लो मेरे को ये वेट मारना है तो मार सकते हो, तुम अगर सोच लो आज मेरे को इतना वर्कआउट करना है तो कर सकते हो, आज मुझे इतने हैवी डंबल उठाने हैं तो उठा सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। तुम्हें एज अ कमज़ोर नहीं जीना कि मैं कमज़ोर या मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमने जीना कि मैं एक बीस्ट हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसी तरीके से वर्कआउट करना है, ठीक है, जिम में आए तो लोहे से लोहे की तरह लड़ना। तो बस आज का वर्कआउट देखना, चेस्ट वर्कआउट किस तरीके से होएगा। आप लोगों के लिए कोई स्पेशल बेंच नहीं बना, मेरे लिए कोई स्पेशल बेंच नहीं बना, हर एक एथलीट इसी पे तैयार होता है और आप भी इसी पे तैयार हो गए। वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, भाई को करिए। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सो वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज रखेंगे पुशअप्स, पंप देख लेना, ठीक है। रेडियो पाऊन भाई खींच के ट्रेनिंग करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप, 4 सेट्स रखो, 8 से 12 रेपिटेशन। चलो जी तो हमने बढ़िया पुशअप्स ले लिए आज, हमने देखो 10-10, 12-12 पुशअप मारे। और जब स्टार्टिंग करी थी जब आप बिगिनर थे तो कितने लगाते थे पुशअप? स्टार्टिंग में तो लग ही नहीं पाते थे, मतलब 5-6 ही लग जाते थे, वो बढ़िया 5-6 लगते थे ना, वो भी मुश्किल लगते थे ना, और आज इजीली अपने 10-12 निकल जाते हैं। मजा आता पुशअप मारने में। हाँ तो बस यही चीज़ होती है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, हर एक चीज़ स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है, धीरे धीरे करके वो आसान लगने लग जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में खाली रोड हैवी लगेगी, धीरे धीरे करके खाली रोड से भी आपका वार्म अप नहीं होगा, सीधा वेट डाल के आपका सेट स्टार्ट होगा। चलो जी ठीक है, अब ये करते हैं एक्सरसाइज। आप करने को फ्लैट बेंच पहले कर सकते हो, इंक्लाइन बेंच भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट करने इन्हीं बेंचेस पे है। चलो लगवाओ पवन भाई। 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12। चलो पवन भाई का सेट है 7.5, 7.5 इधर हो गया, 15-20 किलो की रोड हो गई, 35 kg हो गया पहला सेट है। चलो खींच के लगाओ पवन भाई पावर के साथ। चलो आंदो आराम से, नीचे जान दो स्लो, ऊपर फास्ट, सेंटर में चलाओ, 2, 3, 8, 9 आंदो इजी है, 10, 11 और ये लास्ट 12, बस रख दो उसको। जब आपके 12 रेपिटेशंस आ गए तो अपना वेट को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, 2.5 बढ़ाओ, 5 किलो बढ़ाओ, वो आपकी अपनी पावर के हिसाब से है। 4 सेट्स रखने ही रखने हैं और जो लास्ट सेट होगा वो आपको दिखाता हूँ। सो मेरा लास्ट सेट है, 100 kg कर चुका हूँ, भाई हेल्प करेंगे क्योंकि पवन भाई उस हिसाब से कोड देने पाएंगे, भाई करोगे ठीक है? एक बार हेलो कर दो जी। हेलो ब्रो। चलो जी करें भैया। चलो भाई शाबाश, चल चल चल। 2, 3, 4 चल, 7 लास्ट में, चल 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 हेल्प नहीं भाई। तो यही माइंड सेट से करना होता है, पूरी पावर के साथ करना है। अब चलो पावर का सेट है, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होगा। सो पवन भाई का सेट स्टार्ट हो चुका है, 12.5, 12.5 25 किलो और 20 किलो की रोड, 45 kg हो गया। पहले कितना लगाते थे पवन भाई? लास्ट सेट पहले 7.5, 7.5 किलो का होता है, मतलब 7.5, 7.5 का पहले लास्ट सेट होता था और आज इन्होंने पहला सेट किया, तो ये इम्प्रूवमेंट आती है धीरे धीरे करके। चलो लगाओ इसको, देखो अब किस तरीके से खींच के ट्रेनिंग करेंगे। चलो पावर के साथ हाँ दो, माइंड सेट करो, बढ़िया पावर होनी चाहिए। चलो
बहुत बढ़िया, दो आएगा आएगा, चलो तीन आन दो, चार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो सेल्फ है आठ, दो रैप्स और, दो रैप्स और, चलो करने हैं तो करने हैं, चलो नौ और एक, ये दस, लाओ लाओ इजीली दस रेपिटेशन कर लियो, तुम और भी वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब पंद्रह पंद्रह करते हैं, चलो पवन भाई खींच के, पंद्रह पंद्रह किलो, पवन भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलो लगाओ पावर के साथ उठाओ, चलो माइंड सेट क्या था, चलो लगाओ, वन आन दो, सेल्फ है, चलो टू, छः करने हैं खींच के करो, चलो थ्री आएंगे, चलो बहुत इजी है बिल्कुल, ये देखो सेल्फ है, चलो सेल्फ है बिल्कुल, आन दो रैप्स और ये लास्ट, बहुत बढ़िया। ये एक तरह से इन्होंने ट्राई करा है कि आज छः रेपिटेशन निकाल लिए, अगली बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये कभी ये ट्राई ना करते तो सोचते ही ना कि मैं ये लगा पाऊँगा, बट लगाया ना, समझ रहे हो। तो यही चीज़ मेरे को आप लोगों को दिखानी है, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ट्राई करना पड़ेगा, बेशक आपके छः रेपिटेशन निकले बट ये तो होगा कि आपने ट्राई किया। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सब हम लेंगे इंक्लाइन बेंच, वार्म अप सेट हो चुके हैं, हमारा इधर हैवी सेट है, देख सकते हो 80 किलो हमारा हैवी सेट है, ठीक है, मेरा सेट होगा, फिर उसके बाद पावन भाई का सेट होगा। वन टू फाइव सिक्स नाइन टेन, बस सोच लिया टेन करने हैं तो करने हैं, बस सोच लो कि करना है तो करना है। अब पवन भाई का सेट है, पूरे अपने लास्ट एफर्ट जितना हो सके उतना बढ़िया करेंगे, चलो देखते हैं। पवन भाई का सेट है, साढ़े सात पंद्रह, बीस किलो की रोड, पैंतीस किलो हो चुका है, इंक्लाइन बेंच करना ही करना है, अपर चेस्ट आपकी ट्रेंड होगी, बड़ी जल्दी जल्दी बोल दिया है, ठीक है। अपना पहले पुशअप करो, फ्लैट बेंच करो, फिर इंक्लाइन बेंच करो, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, चलो लगाओ पावर के साथ, आन दो अपर चेस्ट पे, चलो वन, हाँ बहुत बढ़िया, पावर के साथ हैवी सेट है, चलो टू आएगा, उड़ा करना है थ्री, चलो सेल्फ है फोर, आन दो ईजी है फाइव, निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, चलो हार नहीं माननी, सिक्स दो रैप्स और, सेवन और लास्ट एट, आंदो 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 आंदो, देखा सेल्फ करे पूरा टिल फेलियर तक गए, मतलब पूरा माइंड में सेट कर लिया, क्या हो तुम बीस्ट हो, बीस्ट हो या बिगिनर, मतलब कमजोर हो या बीस्ट हो, बीस्ट हो, अब करना चाहो कर सकते हो ना, तो आप भी अगर करना चाहो कर सकते हो, 100% अपनी पूरी जान लगा दो, जान लगाओगे अलग ही मजा आएगा इसका। सो थर्ड एक्सरसाइज अपनी ये रखेंगे, केबल क्रॉस ओवर, अगर आप डंबल फ्लाई भी रख सकते हो, अगर मशीन पे भी रख सकते हो, मशीन पे अपनी पैक डेक फ्लाई भी रख सकते हो, तीनों अपना बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। अपने चेस्ट बार बैक स्ट्रेट, चलो गिन दो पावन भाई, थ्री फोर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अब मेरे इसके 12 रेपिटेशन आ गए तो मेरे वेट ये इजी हुआ, अब 5-10 किलो बढ़ा दूंगा, हर सेट के अंदर वेट बढ़ाना है तभी बढ़िया चेस्ट बनेगी, बेशक अपने जैसे कि यहाँ पे कर रहे हो आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो उसमें 1.25 किलो बढ़ा लो, 2.5 किलो बढ़ा लो, 5 किलो बढ़ा लो, वो अपनी पावर के हिसाब से, यहाँ पे एक एक करके प्लेट बढ़ा लो, बढ़ाने को 2 प्लेट बढ़ा सकते हो, तो ये अपने हिसाब से आपने देखना है। चलो लगाओ पवन भाई, पवन भाई ने उतार दिए कि मसल फाइबर दिखा सकें, चलो पवन भाई ये भी उतार दो, ये नहीं उतारना है, चलो लगाओ वन, अच्छे से होल्ड करके आगे होल्ड करो, टू फोर होल्ड 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 होल्ड, सिक्स पूरा अच्छे से टाइट हो गए, सेवन आगे होल्ड पूरा अच्छे से मसल एक्टिव होने चाहिए, ट्वेल्व ये रखो बस रख दो, अब इजीली आपके निकल गए, फर्स्ट सेट हो गया आपका, अपना वेट बढ़ा लो, ऐसे ही तीनों सेटों में ये वेट बढ़ा लेंगे, अब मैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा। सो हमारा फोर्थ वर्कआउट है, ये चलेगी सुपर सेट ट्रेनिंग, ये हफ्ते में कभी कभार रख सकते हो, 15 दिन में एक बार ही रख सकते हो, जिससे कि मसल पंप ऐसे हो जाएंगे मज़ा आ जाएगा, इसे कोई भी रख सकता है अपने वेट के हिसाब से, जैसे कि आप बिगनर हो तो लाइट वेट में कर लेना, हमारी अपर चेस्ट थोड़ी वीक रहती है ज़्यादातर, तो इससे क्या होगी हमारी इतनी हार्ड हो जाएगी, करके देखना इसको, ये देखो पहले हम लेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, आप उधर भी ले सकते हो, डिक्लाइन बेंच पे भी ले सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो, ये चलो वन टू थ्री फोर नाइन टेन ट्वेल्व, जैसी हो गया पुशअप्स स्लो एकदम, एक सेट करा पंप, देख सकते हो कितना बढ़िया पंप आ गया, अब पावन माई करेंगे, अभी तो पावन माई ने मेरे को देखा है,
खुद करेंगे, खुद एक्सपीरियंस बता देंगे। चलो लगाओ, पोजीशन ले लो बढ़िया से, माइंड सेट करके आन दो ऊपर, चलो आन दो, वन पूरा ऊपर ले आओ, ये टू बढ़िया फील करते हुए, ये थ्री परफेक्ट एकदम, आओ इसको टाइट करो, फोर हाँ अच्छे से, फाइव डम्बल टच करो हाँ, ये सिक्स इलेवन और ये लास्ट ट्वेल्व, ले आओ ये पकड़ाओ। चलो पुशअप लगाओ फटाक से, पूरे स्लो स्लो लगाने, हाँ वन ऊपर स्लो एकदम, टू नीचे भी स्लो, हाँ थ्री हाँ फोर सेवन, हार नहीं माननी, कर सकते हो तो एट टेन, दो और निकलेंगे, कर सकते हो तो इलेवन और ये लास्ट ट्वेल्व, बस कैसा था पहला सेट? हार्ड सेट था, आया मज़ा? पहले करा कभी ऐसा? नहीं नहीं करा ना, तो ज़्यादा थोड़े और वेट से कर लूँगा, पर इसमें ही दम निकल गया। सही कह रहा है, तो अब तुम क्या हो, कमज़ोर हो या बीस्ट? अब लग रहा है बीस्ट बन रहे हैं, बीस्ट बन रहे हैं। तो मतलब ये है बस माइंड सेट के ऊपर, अगर तुमने सोच लिया तो तुम कर सकते हो। तीन सेट्स ऐसे, मतलब चार सेट कर लेना है, तीन सेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमारा लास्ट वर्कआउट है, पंप देख सकते हो कितना बढ़िया पंप चल रहा है, चेक कर सकते हो। ये रखेंगे डिक्लाइन बेंच, जो हमारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करेंगी, इसको रखना ही रखना है, ठीक है? उठा लो, चलो लगाओ अपना, पाँच पाँच किलो वेट डाल दिया पवन भाई ने, चलो आन दो, ये डिक्लाइन में चलेगी, टू बहुत बढ़िया, आन दो ऊपर से टाइट, थ्री हाँ फोर एट नाइन, दो रेप्स और इलेवन, पूरा आन दो ऊपर, और ये ट्वेल्व, हल्का सा होल्ड, फिर रखो इसको आराम से, ठीक है? ये इस तरीके से हमारा वर्कआउट चलेगा। अब मैं भी लूँगा तो क्या ही दिखाना है, आपने देख लिया इस तरीके से हम कर रहे हैं ट्रेनिंग को, कैसे पुश करना होता है। कभी कभी सुपर सेट ऐड कर सकते हो, कभी कभी ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट क्या होता है, जैसे आप फ्लैट बेंच कर रहे हो, आपका लास्ट सेट है, तो उसमें प्लेटें निकाल सकते हो, वो भी मस्कुलर करने में, शेडेड करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो भी रख सकते हो। यही सब एक्सरसाइज रहेंगे। जैसे कभी आपका दिल नहीं है डिक्लाइन बेंच करने का, दिल नहीं है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर देखते होगे पुल ओवर होती होगी, आपने कभी करी होगी जो इस तरीके से, कर ये रख सकते हो। बार डिप्स, जो हमारी बार डिप्स होती है वो ले सकते हो, तो चेंज कर सकते हो। कोई भी शेड्यूल पत्थर की लकीर नहीं होता, जो आपको बढ़िया इफेक्टिव लगे, ईजी लगे, जिसमें बढ़िया फील आए वो करो। यही ट्रेनिंग होगी, 8-12 रेपिटेशंस करने हैं, इन पे हैवी लोड लेना है, हर सेट में कोशिश करने है कि वेट बढ़ा सकें, बढ़िया फील के साथ करना है, बढ़िया माइंड सेट रखना है, ठीक है? अब क्या हो तुम? बीस्ट हो ना, अब बीस्ट हो तुम भी, तुम भी बीस्ट हो, करना चाहो कुछ भी कर सकते हो, अब माइंड सेट कर लो। वीडियो को करते हैं इधर ही कम्प्लीट, मिलते हैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये फिर से मैंने सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया कि भाई कहते हैं बिगिनर की वीडियोस लाओ, बिगिनर हमारे को मोटिवेट करो, हम मैं मोटिवेट नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही अपनी एक मोटिवेशन हो, अपने आप के अंदर देखो कि हाँ मुझे चेंज होना है, तुम खुद ही एक मोटिवेशन हो। कर दें वीडियो को कंप्लीट, ओके गाइस, मैक्सिमम कमेंट्स में प्यार दिखाना, अच्छा लगता है, और भाई को ही फॉलो करिए, मुझे ही फॉलो करिए, अच्छा लगेगा। बाय बाय गाइस।